बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज की हर हलचल पर रहती है हमारी नजर और हम बताते हैं आपको वो हर हलचल बॉलीन्यूज फटाफट में। भले ही करीना आजकल अपनी प्रेगनेंसी की खबरों से खफा है, लेकिन इसी प्रेगनेंसी के चलते उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल रही है। वो जल्द ही फिल्म वीर दी वेडिंग की शूटिंग शुरू करने जा रही हैं, जिसके मेकर्स ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सेट्स पर उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट और कम स्ट्रेस देने के इंतजाम भी किए गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म में आपको दीपिका, अनुष्का, कंगना और आलिया एक साथ नजर आएंगे? नहीं ना, पर अनुष्का की चाहत तो कुछ ऐसी ही लग रही है। जब उन्होंने कह दिया कि वो दीपिका, कंगना और आलिया के साथ एक चिक फ्लिक करने के लिए तैयार है। एक्टर अरशद वारसी का कहना है कि उनकी फिल्म जॉली एलएलबी की सीक्वल यानी पार्ट 2 में प्रोड्यूसर्स किसी बड़े स्टार को लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार को चुना। उन्होंने कहा कि इस खबर से वो ज्यादा परेशान नहीं है। वैसे जॉली एलएलबी 2 के फर्स्ट लुक में अक्षय अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म मिर्जा से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही सयामी खैर का कहना है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनसे ज्यादा हर्षवर्धन कपूर को प्रमोट किया जा रहा है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म को शुरुआत से ही अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर की पहली फिल्म कहकर पुकारा जा रहा है। अभी तक की बॉली न्यूज फटाफट में इतना ही। ज्यादा खबरों और ऐसी चटपटी गॉसिप्स के लिए लॉग ऑन करें jagran.com।